मैं राजेश गुप्ता ग्वालियर का रहने वाला हूँ। यहाँ पर अपने बेटे के पास आया था देहरादून में। बेटा हमारा HDFC अर्गो में काम करता है। तो मैंने देहरादून में कई प्रॉपर्टी सर्च की क्योंकि मुझे उसके लिए फ्लैट लेना था। यहाँ पे कई प्रॉपर्टी देखी, फिर मैं एक दिन जो है घूमते घामते इधर सहजधारा रोड पर पैसिफिक गोल्फ स्टेट में आया। पैसिफिक गोल्फ स्टेट पहली जगह देखने में मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैंने निश्चय कर लिया कि मैं यहीं पे एक फ्लैट परचेज करूँगा अपने बेटे के लिए। और मैंने लास्ट ईयर उस फ्लैट को परचेज किया। मैं यहाँ एक दो महीने के लिए घूमने आता हूँ। अभी अभी रिटायर हो गया हूँ, इंश्योरेंस कंपनी में सर्विस करता था। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा। एक तो यहाँ नेचुरल क्लाइमेट बहुत अच्छा है, चारों तरफ पहाड़ी हैं, बहुत अच्छा वातावरण है यहाँ का। मौसम इतना बढ़िया रहता है कि तबीयत खुश हो जाती है। और पैसिफिक गोल्फ स्टेट में एमिनिटीज के नाम पर स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, जिम वगैरह बहुत अच्छे हैं। आपका यहाँ बिलियर्ड्स है, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन कोर्ट है, टेनिस कोर्ट है, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड है और सभी बच्चों के लिए एक अलग से किड्स जोन बना हुआ है। स्क्वैश है, पार्टी हॉल है। यहाँ जितनी फैसिलिटी मैंने देखी, मैंने कई जगह प्रॉपर्टी सर्च की, बॉम्बे में, पुणे में, बेंगलोर में, इवन देन ग्वालियर में, लेकिन मुझे जो यहाँ आके अच्छा लगा वो वाकई बहुत बढ़िया रहा। सामने देखता हूँ तो मसूरी का पहाड़ दिखता है सुंदर से, रात को लाइट दिखाई देती है, बालकनी में जब खड़े हो जाते हैं तो इतना सुरम्य वातावरण नज़र आता है कि तबीयत मुग्ध हो जाती है, मन प्रसन्न हो जाता है। और इन्होंने जो सुविधाएं दे रखी हैं क्लब हाउस वगैरह की, बहुत अच्छी है। मेरा अनुभव तो ऐसा है कि यहाँ अपने आराम से दो चार महीने गर्मियों में गुजारे जाएँ और यहाँ के क्लाइमेट का, यहाँ के वातावरण का आनंद लिया जाए।